तो हम लगातार चर्चा में बने हुए हैं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे सवाल का जवाब लें। उससे पहले आपको इस वक्त अपडेट दे दें, राहुल ने नामांकन दाखिल कर दिया और उसका पहला सेट अभी भर दिया है। कुल 90 सेट भरे जाने हैं। शीला दीक्षित और गहलोत प्रस्तावक बने हैं। सोनिया, मनमोहन सिंह, सुशील शिंदे खास प्रस्तावक की भूमिका में हैं। तो जहां पर कांग्रेस में राहुल राज की बात कही जा रही है, एक स्वर्णिम युग का सपना कांग्रेस देख रही है, वहीं काला दिवस इसे शहजाद पूनावाला ने करार दिया है। और शहजाद, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि आपकी इज्जत अगर नहीं हो रही है, बार बार आप मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं, मुलाकात का वक्त आपको नहीं दिया जा रहा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि आप उस पार्टी के साथ क्यों बने रहना चाहते हैं जहां आपकी इज्जत नहीं हो रही है? क्योंकि ये पार्टी किसी की जागीर नहीं है। शायद मनीष तिवारी कह भी दे कि स्वामित्व है, पर ये किसी परिवार की जागीर नहीं है। शहजाद पूनावाला अर्जुन की तरह उन कौरवों का नाश करेगा जो डायनेस्टी को बढ़ाते हैं और इस पार्टी को डायनेस्टी मुक्त करेगा। लेकिन आपके भाई ने तो आपसे खुद ही राजनीतिक संबंध तोड़ने की बात कर दी, आपने कोशिश की उसके बाद? नहीं नहीं, वो इसलिए की क्योंकि मैंने उनसे कोई चर्चा नहीं की। वो परिवार की तरफ वफादार है, मैं उनकी तरफ वफादार हूँ जिनका कोई परिवार नहीं है, जो मेरी तरह शहजाद है, शहजादा नहीं है। अच्छा शहजाद, एक आखिरी सवाल आपको जाना होगा। एक आखिरी सवाल है शहजाद, आप लगातार कह रहे हैं सिलेक्शन है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन करने वाला कौन है? फिर सिलेक्शन खुद ही कर रहे हैं, अपना कॉरोनेशन खुद ही करते। कोई राजा को सिलेक्ट करता है? राजा ही अपने संतानों को सिलेक्ट करता है, वो उनकी नसों में होता है, उनके फैमिली लाइन में होता है। और यही चीज़ हो रही है, दरबारी खड़े हैं गेट पे, ताज लेकर नहीं खड़े हैं, नॉमिनेशन पेपर का ढोंग कर रहे हैं। चलिए शहजाद, आपको जाना है, तो कुल मिलाकर लड़ाई जिस तरीके से शहजाद कह रहे हैं, शहजाद वर्सेस शहजादे की होती नज़र आ रही है अभिलाषतर, और जिस तरीके से शहजाद तमाम सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की राह इतनी आसान अब होने वाली नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि शहजाद के कहने से कांग्रेस के जो हजारों हजार कार्यकर्ता हैं वो कोई अपना मत बदलेंगे या उनमें, ये बात निश्चित है दिल में किसी की हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी भी कांग्रेस के एक लीडर काफ़ी दिनों से हैं। निश्चित रूप से वो सोनिया गांधी या राजीव गांधी के बेटे हैं, उसके चलते उनको एक वर्चस्व है उनका पार्टी में। लेकिन शहजाद पूनावाला के कहने पर कांग्रेस के लोग इधर उधर जाएंगे और राहुल के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कुछ डैमेज होगा? नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं होगा। अच्छा, हमारे साथ राजीव जेटली जी भी हैं बीजेपी से। आपको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला राजीव जी, क्योंकि जो आप बोलना चाह रहे हैं शहजाद वही भाषा बोल रहे हैं, और इसे सुनकर आपको कम से कम खुशी तो मिल रही है ऐसा लग रहा है। देखिए, एक दर्द तो आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो शहजाद पूनावाला के माध्यम से हो या बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जिन युवाओं ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया होगा इस राजनीतिक दल को, और उनके पूर्वजों ने भी समर्पित कर दिया होगा। लेकिन आखिर में क्या होता है? आखिर में आकर उसी व्यक्ति को ताज पहनाया जा रहा है जिसके नेतृत्व में, जिसकी लीडरशिप में जो भी राजनीतिक दल है कांग्रेस लगातार हारते हुई जा रही है। लगातार हारने का एक मतलब यह है कि जनता द्वारा नकारी जा रही है, और जनता द्वारा जब राजनीतिक पार्टी नकारी जा रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके नेतृत्व को जनता पसंद नहीं करती है। बावजूद उसके आप गांधी परिवार से आते हैं तो आपको वो ताज पहनाया जाता है। ये केवल शहजाद की बात नहीं है, ये सारे पूरी पार्टी जो भी इनकी राजनीतिक दल होगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो युवा जो देखते होंगे जिनको राहुल गांधी को संभाल के रखना पड़ता है, पीछे से पकड़ना पड़ता है, गिर ना जाए कहीं, उनकी जबान ना लड़खड़ा जाए, वो युवा आज अंदर से कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, बहुत दुखी होंगे, और उनको आज फिर वही दिन देखने को मिला जो उनके पूर्वजों को देखने को मिला होगा। जब सोनिया गांधी जी की ताजपोशी हुई होगी, जब राजीव गांधी जी की ताजपोशी हुई होगी, आज राहुल गांधी जी की ताजपोशी है, उनके बच्चे आने वाले वक्त में राहुल गांधी जी के बच्चों की ताजपोशी करेंगे। तो एक प्रथा जो पुरानी चलती आ रही है उसको तोड़ के अगर इस युवा ने काम किया है, आज शहजाद जो हम जिनकी तारीफ करते हैं, एक युवा बाहर निकला है तो ये अकेला युवा नहीं निकला है, आज देखिएगा बहुत सारे युवा निकलेंगे जिनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास। सिर्फ ये तारीफ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस के भीतर रह के कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब शत्रुघ्न सिन्हा ये जबान बोलते हैं तब वो आप लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा जी बोलते हैं, जसवंत मैं आपको बताता हूँ, सिन्हा साहब बोलते हैं जब भी उन्होंने कोई बात रखी तो जिन बातों को लेकर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने जिन बातों को लेकर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने बात रखी उसके जवाब
अब सरकारी आंकड़ों से निकल करके आ रहे हैं, तो हम जवाब मुंह से नहीं देना चाहते, एक्शन से देना चाहते हैं। एक्शन से जवाब मिल गया कि इतने बुरे हालातों के अंदर, इतने बड़े रिफॉर्म के अंदर भी जीडीपी जिस तरीके से ग्रो करी है, तो वो अपने आप जवाब है। तो आपके जवाब आपके एक्शन देते हैं, लेकिन यहां पर एक्शन नहीं है, आपको ऑनर दिया जा रहा है, जनता द्वारा नकारे जा रहे हैं, फिर भी आपके सर पे ताज है, आपकी अपने युवा आपके खिलाफ खड़े हैं, आप उनको दबाने की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका है वहां पर। डेमोक्रेटिक सिस्टम कहाँ चलता है? एक पार्टी के आंतरिक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, दोनों ही फ्रंट पे आप नकारे जा चुके हैं। जब आप नकारे जा चुके हैं तो ये आपकी अब व्यक्तिगत राय है। जब राजीव जी अमित शाह को अध्यक्ष बनाया गया, कोई चुनाव नहीं हुआ उस वक्त, तो बीजेपी, ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पूर्वन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी पे इस देश की जनता ने, केवल संगठन नहीं, इस देश की जनता ने मोहर लगाई है और बार बार लगाई है, और उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता भी दिखाई है, और जनता की अगर च्वाइस है सबसे बड़ी, इलेक्शन की ही बात कर रहा हूं, इस पर बात करें ना, इलेक्शन की कोई वैल्यू उसमें भी नजर नहीं आई उस चुनाव प्रक्रिया में। देखिए यहां पर तो आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में, पहली बात तो यह है, आपको ये कल्पना नहीं करी होगी अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे हैं उनकी भी कल्पना आपने नहीं की होगी, अगले का नाम हम बता ही नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा नाम बताए जा रहे हैं, यहाँ पर तो सीधे सीधे बताए जा रहे हैं कि अगले कौन होंगे, पिछले कौन थे, उससे पहले कौन थे। ये भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी के बाहर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना किसी ऐसे राजनीतिक दल द्वारा, जो राजनीतिक दल अपने आप को जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक घर तक रहती है, उसके अंदर जो भी जाता है वहीं समा जाता है, वो बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, एक युवा बाहर निकले हैं तो देखिए उनको बेइज्जत किया गया है। ये केवल, ये मैं बार बार इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये केवल एक युवा नहीं है, ये पूरी पार्टी इनकी अंदर से यही भाव लेके चलती होगी। और जो लोग आज वहां पर, बीजेपी ने वरिष्ठ को साइड कर दिया, जितने वरिष्ठ लीडर्स थे उनको बेइज्जत करने का आरोप बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई समय सीमा निर्धारित की गई है तो कांग्रेस पार्टी को यह कदम उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने यह समय सीमा निर्धारित करी है और स्वेच्छा के साथ जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो मार्गदर्शक हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, स्वेच्छा के साथ किया। उन्होंने कुछ बता सकते हैं क्या अडवाणी जी ने या मुरली मनोहर जोशी ने क्या मार्गदर्शन, कोई हाल फिलहाल का वाकया बताएं तो मैं भी जानना चाहूंगा। मैं आपको यही बताता हूं कि जितनी भी पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी का प्रचार है, पार्टी का की फिलॉसफी है, वो हमारे मार्गदर्शकों से ही चलती है। मार्गदर्शक का मतलब ये नहीं है कि केवल आप अपनी आपको अपनी बात को एड्रेस करके चले जाए। हमारा मंडल तो पहली बार बना है। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी में क्या मार्गदर्शन मिला, ये मैं जानना। उसके मार्गदर्शन मंडल के कुछ लोग गुजरात गए हैं, उनके मार्गदर्शन के बिना हमारी पार्टी एक कदम भी आगे नहीं चल सकती, उनके मार्गदर्शनों से ही हमारी पार्टी जीत मिल रही है। उसके लिए फिर आप अमित शाह को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं, फिर मार्गदर्शक मंडल को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिए। फिर तो अध्यक्ष के काम का जो आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि उनकी वजह से जीत मिल रही है, तो हम तो हमने कब बोला है, सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व है, सभी वरिष्ठ नेतृत्व का कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में है, और यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की चर्चा नहीं होती है। यहाँ एक व्यक्ति की चर्चा नहीं होती है कि अगर कोई पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका हो, सरेंडर करते जा रहे हो, हारते जा रहे हो, बावजूद उनके ऊपर ताज पहना जाए। यहाँ पर तो प्रूवन होता है कि आपकी मेहनत, ये कहना चाहूंगा, ये तो गुजरात, ये तो कांग्रेस पार्टी की अपनी इंटरनल बातें हैं, उनको जो आप ये यहाँ पर मोदी जी और अमित शाह के अलावा किसकी कितनी कैसी चलती है इसके बारे में कोई उदाहरण, आप यहाँ पे ये सवाल महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा राजीव जी इस पर आप जवाब दें। हम तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, आगे भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे, आप लगातार बने रहिए, चर्चा जारी है। तो कांग्रेस में राहुल राज की शुरुआत हो रही है, मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से। मोहित, अभी क्या चल रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया, उनके साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे, उनके साथ अहमद पटेल मौजूद थे, उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। सबसे पहले वो सोनिया गांधी अपनी मां के पास गए, वहां से आशीर्वाद लेकर वो कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, और उसके बाद वो अपने नेताओं से मुलाकात उन्होंने किया, और कमलनाथ ने सबसे पहले प्रस्तावक के तौर पर नामांकन उसमें हस्ताक्षर उन्होंने किया, और राहुल गांधी जब आते हैं तो उन्होंने थोड़ी देर डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ से चले गए हैं, और 3 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा, अगर कोई और नामांकन नहीं भरता है तो राहुल गांधी नॉमिनेटेड अध्यक्ष के तौर पे माने जाएंगे।
अध्यक्ष पद पर काबिज हो जाएंगे, ताशपोशी हो जाएगी। राजीव जेटली जी से हम आंसर लेंगे आगे कि बीजेपी में क्या स्थिति है।